मैं ऐसे व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जिनको लगभग 20 to 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये ग्राफ्टिंग फील्ड में। तो हम मिलने जा रहे हैं श्री पूरनलाल जी नागपुरे। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और इनके वीडियोज भी शूट किया। तो आपको अगर से लगता है कि आपके यहाँ पर अगर से बगीचे वगैरह है ग्राफ्टिंग करने की, बहुत सारे पेड़ है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी आ सकते हैं अगर साहब उनका एक्सपेंडिचर आने जाने का और उनका वेजेस अगर से देते हैं। तो इनके पास में ऐसी बहुत सारी वेराइटीज हैं लगभग 150 से 200। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा BSc हार्टिकल्चर सर। तो इनका BSc हार्टिकल्चर है इन्होंने कहा है। तो सर आप यहाँ कितने सालों से कर रहे हैं बिजनेस? 24 से 25 साल। 24 से 25 साल से आपका एक्सपीरियंस है। जी तो सर। सर मैंगो के बारे में स्पेशल आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, कितनी वेराइटीज आपके पास में मिल सकती है? 175 के लगभग। तो मित्रों 175 के लगभग इनके पास में वेराइटीज है। तो सर मुझे ये बताइए कि भाई आप अपने कैटलॉग से आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी वेराइटीज बहुत सुपेरियर है जो है कि ना? आपने इधर, है सर। तो बताइए। यहाँ कलमें तैयार की गई है और यहाँ कोई कलम है या तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कह सकते हैं आप इसके बारे। इस जैसे अपन पॉलीथीन कलम बांधने के बाद में आपको मैं बता चुका हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट सायन, सायन यानी कांडा कैसे निवड़ाया, कलमें कैसी चुनी जाती है। 15 से 20 दिन पेड़ों को डिफॉलिएशन करके रखा जाता है और उसके बाद में कलमें बांधी जाती है और यह कलमें 15 से 20 दिन के बाद में यहाँ इस प्रकार स्प्राउटिंग होती है। तो इस पे का पॉलीथीन ये निकाल देना पड़ता है जो पेप्सी के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए और यहाँ सीताफल है जो भी ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया सक्सेस है। तो मित्रों देखिए यहाँ गावा जो है, गावा का यहाँ कलम है और यहाँ भेट कलम है जिसे एनार्च ग्राफ्टिंग कहा गया, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहा गया। एक पौधे को दूसरे पौधे के पास लाके कट करके इसका भी ये फ्लावरिंग का है। और ये देखिएगा इनके ये पॉली हाउस में ये वर्किंग करते हैं पार्ट टाइम। यह पॉली हाउसेस का देखिएगा तो यहाँ इनके जिस नर्सरी में काम करते हैं वहां के ये कोकन बहा डोरली करके एक जामुन है मित्रों, जामुन की भी ग्राफ्टिंग करते हैं यहाँ। गावा की भी ग्राफ्टिंग, हर प्रकार की ग्राफ्टिंग यहाँ करते हैं। यह दशहरी मैंगो है, यहाँ मलिका का साइज है। यहाँ हम देखे राजापुरी, तो यहाँ इस प्रकार और यहाँ रिलायंस केसर है, केसर में बहुत सारी वेरायटी है। यहाँ मालदा, यहाँ केसर और यहाँ रिलायंस केसर देखिएगा, शेडिंग है सेफ्रॉन कलर का। और यहाँ रिलायंस केसर देखिएगा, यहाँ सैमुरिया वेराइटी देखिएगा, यहाँ रत्ना नीलम दशहरी, तो यहाँ पूसा अरुणिमा, यहाँ पूसा अरुणिमा देखिएगा बड़ा साइज सेडेड है। यहाँ चार्ली लंबा साइज का है, एक कृष्ण भोग यहाँ बड़ा साइज का है गोल आकार। यहाँ देखिएगा लंगड़ा हरा, यह लंगड़ा हरा और यह लंगड़ा भूरा। लंगड़ा में दो वेराइटी है मित्रों, आम्रपाली है। आम्रपाली ये देखिएगा आम्रपाली, इसका नाम बताइए। उसके बाद में सिंधु, सिंधु यहाँ सिंधु की वेराइटी है। यहाँ मैंगो की वेराइटी देखिएगा, यहाँ सर ये कौन सी वेराइटी है? यहाँ वेरायटी विदेशी देखिएगा, में सर, एक्सपोर्टेड में। यहाँ चिंटू विदेशी है, नहीं फॉरेन वेरायटी है मित्रों। यहाँ उसके बाद में विविध वेराइटीज के हैं ये। यहाँ गावा, यहाँ कस्टर्ड एप्पल जिसे सीताफल कहते हैं, यहाँ चीकू की वेरायटी है मित्रों, यहाँ चकोतरा लेमन है और यहाँ नींबू सीडलेस नींबू। यहाँ सर का एड्रेस है रामकुंज नर्सरी, आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, प्लांट जो भी वैरायटी की चाहिए ये आपको कुरियर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने आपको इनका डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन कराया और उनका पूरा ब्यौरा दिया। तो आपको जब भी कांटेक्ट करना है तो जो वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर है, इसके पहले के मैंगो वीडियोस में इनका डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपके सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो मित्रों अगर वीडियो लाइक अगर से है तो लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन जो है वीडियो के नीचे उसे क्लिक कीजिएगा ताकि सब्सक्राइब हो और आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वंस अगेन।